हाँ जी बेटा हमने पिछली वीडियो में देखा कि सबसे पहले क्या बना uh, सबसे पहले कैटरपिलर कैटरपिलर ये इसने फीड करा मलबरी लीव्स के ऊपर ठीक है मलबरी लीव्स से बैठा उसने एग ले किए ठीक है काफी सारे मतलब वी कैन से हंड्रेड एंड थाउजेंड इतने एग्स ले करता है ये तो ये काफी सारे एग्स ले किए वो एग्स अपने आस पास मतलब अंदर एग, एग एक लाइफ है वो एग अपने आस पास एक मतलब खुद एक सिक्रीशन क्रिएट करता है एग के अंदर से सिक्रीशंस निकलती है यानी लिक्विड निकालता है बाहर उस लिक्विड से वो अपना अपनी कवरिंग बनाता है जिसे हम कोकोन्स बोलते हैं ये एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कोकोन्स बनते हैं ये आउटर कवरिंग होती है एग के आसपास देखिए आप कोकोन्स क्या होते हैं कोकोन्स अ प्रोटेक्टिव केसिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग स्पन फ्रॉम सिल्क किससे मिलकर बनी है लिक्विड से अब वो लिक्विड क्या है बेटा वो सिल्क ही है ठीक है यानी हमें सिल्क कहां से मिलता है कोकोन से जो कोकून्स बने हैं ठीक है थेके? जो लिक्विड के थ्रू कोकून्स बने हैं उसी के उसी की वजह से हमें सिल्क मिलता है ठीक है यानी हमें कोकून्स चाहिए सिल्क बनाने के लिए ठीक है अब उसके अंदर जो इनसाइड उस कोकून के अंदर जो एक लाइफ है उसे हम बोलते हैं प्यूपा जो इमेच्योर सिल्क फॉर्म है उसे हम बोलते हैं प्यूपा किसके अंदर रहता है वो कोकून्स के अंदर इट लाइज इनसाइड इट अंदर रहता है वो अब प्रोसेसिंग क्या है अब इसके बाद की प्रोसेसिंग क्या है अब कोकोन्स हमें मिल गए कोकोन्स आर कलेक्टेड एंड लेफ्ट अंडर सन अब ये जो व्हाइट वाइट कोकोन्स है हमारे पास एग्लाइट स्ट्रक्चर्स -like इनको सन में रख दिया जाता है या फिर इनको बॉइल कर दिया जाता है ताकि हमें यहां से सिल्क मिल सके कैसे देखिए दे आर कलेक्टेड एंड लेफ्ट अंडर सन और बॉइल्ड टू सेपरेट आउट सिल्क फाइबर्स सिल्क फाइबर्स को सेपरेट सेपरेट करने के लिए अब हमें सिल्क फाइबर्स मिल गए हैं कोकून से तो अब क्या होगा उसकी रीलिंग होगी जो सिल्क फाइबर है उसकी रीलिंग होगी रीलिंग मीन्स अनवाइंडिंग मीन्स उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना जो आ, मुड़े हुए सिल्क स्ट्रक्चर है उनको थोड़ा स्ट्रेट करना अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम अ कोकून इज डन कोकून से अनवाइंडिंग कोकून uh, से हमें जो सिल्क मिला है उसकी अनवाइंडिंग होती है यानी फर्दर प्रोसेसिंग होती है ताकि वो सीधा हो सके देन स्पिनिंग स्पिनिंग ऑफ ये देखो अनवाइंडिंग ये रीलिंग और स्पिनिंग क्यों होते हैं पहले तो स्पिनिंग देखो क्या होता है स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स इन टू थ्रेड इज डन स्पिनिंग होती है सिल्क फाइबर्स की ताकि वो थ्रेड्स में कन्वर्ट हो सके अब सिल्क के थ्रेड्स बन चुके हैं उन थ्रेड्स को हम फिर वीविंग होती उनकी निटिंग होती है फिर ताकि हमें फैब्रिक मिल जाए सिल्क थ्रेड्स आर ऑपटेन्ड विच आर ऑपटेन्ड दे आर वोवन इंटू क्लोथ वो क्लोथ्स में बुने जाते हैं राइट right? तो यहां से हमें फैब्रिक मिल जाता है अब देखिए रीलिंग एंड निटिंग रीलिंग एंड स्पिनिंग इनका क्या रोल है मीन्स पहले वाइंड करो फिर अनवाइंड करो सिल्क थ्रेड को क्यों करते हैं ऐसा ताकि हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ का सिल्क मिल जाए एक जो सिल्क फाइबर है वो अच्छी स्ट्रेंथ का मिले जो हमें फाइबर सॉरी फैब्रिक की बात करूं क्योंकि अब तो ये फैब्रिक में कन्वर्ट हो रहे हैं फाइबर तो हमें यहां से मिल गया था कोकोन्स को बॉईल करा तो हमें काफी सारा फाइबर मिल गया ठीक है ना सिल्क फाइबर मिल गया अब उससे हमें सिल्क फैब्रिक कैसे कन्वर्ट करना है ये वो प्रोसेस है राइट आई होप ये आपको क्लियर है और अब इस, इसके लिए कोई डाउट नहीं होगा अगर आपको कोई डाउट है भी सही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी पूछ सकते हैं कॉल करके ये देखिए लाइफ ऑफ सिल्क वोथ ये आपने जरूर देखना है एक बार राइट right? और इसको रीड जरूर करेंगे राइट देन नेक्स्ट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम्ब्स ये भी आप देखेंगे अच्छा एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.5 इस एक्टिविटी में क्या है आपने सिल्क क्लोथ्स डिफरेंट टाइप्स के कलेक्ट करने हैं जैसे आप देखते हैं बेटा टेलर के पास जाओ मम्मा से पूछना कभी टेलर के पास जाते हैं तो एक बोर्ड के ऊपर काफी सारे अलग अलग तरह के कपड़े लगे होते हैं उसने स्टेपल uh, करे होते हैं अलग अलग पीसीस ऑफ क्लोथ्स के हुँ. तो आपने यही करना है एक स्क्रैप बुक का पेज लेकर या फिर एक सिंपल ए फोर साइज शीट ले लो उस ए फोर साइज शीट के ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग टाइप के सिल्क अ, सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं अलग अलग वेराइटी के वो स्टैपल करने हैं राइट और उसकी पिक मुझे भेजना मैं जरूर देखूंगी और उसके बिहाव पर आपकी असेसमेंट भी लगेगी तो पिक जरूर भेजनी है उसकी ठीक है और उसके ऊपर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन सा सिल्क है ये कौन सा सिल्क है ये आपकी मदर आपकी हेल्प करेंगी इस चीज में राइट तो आप अपनी मदर की हेल्प से ये बता सकते हो देखेंगे जरूर ये और इसकी पिक मुझे सेंड करेंगे राइट तो आपने क्या करना है वही है कि पीसेस अलग अलग सिल्क क्लोथ्स के यहां पर लगाकर स्टेपल करके ठीक है एक स्क्रैप बुक के स्क्रैप बुक का पेज ले लो या फिर ए फोर साइज शीट ले लो उसके ऊपर स्टेपल करके मुझे आपने भेजना है विद नेम कि वो कौन सा सिल्क है और उस नेम को बताने के लिए आपकी मदर हेल्प कर सकती है आप उनकी हेल्प बहुत अच्छे से ले सकते हो उनको प्रॉपर नॉलेज होती है ठीक है ओके बेटा